लॉयंस क्लब बांदीकुई द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा में विश्व धूम्रपान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को कभी भी धूम्रपान व अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादक का सेवन नहीं करने एवं अपने परिवारजनों परिचितों को भी धूम्रपान नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर भारत स्काउट गाइड बांदीकुई ब्लॉक के कोषाध्यक्ष कृष्ण अवतार गुप्ता ने छात्रों को संबोधन करते हुए बताया कि धूम्रपान के माध्यम से तंबाकू को हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं दुनिया भर के लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व धूम्रपान दिवस मनाया जाता है। क्लब अध्यक्ष लॉयन राधा मोहन गुप्ता ने बताया कि धूम्रपान के सेवन से फेफड़ों के रोग, कैंसर, टीबी जैसी असाध्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर रविंद्र कुमार शर्मा, बाबूलाल मीना, मनीष शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। और आप जानते हैं कि धूम्रपान अपने लिए कितना हानिकारक होता है, ठीक है ना? हमारे बीच में अपने बांदीकुई जिले के धूम्रपान, आप जानते हो कि जो कैंसर है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? धूम्रपान में, ठीक है ना, इससे अपने फेफड़े खराब हो जाते हैं, नहीं है? और धूम्रपान के साथ लोग ज्यादा गुटखा भी खाते हैं, उनके कैंसर हो जाते हैं, नहीं है ना? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो अपने ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, कि घरों में रोजाना आपके वीडियो सिगरेट रोक कर पीते हैं ना, बुजुर्ग है ना, तो उन लोगों को आपको सावधान करना चाहिए, नहीं है? तो दो मिनट के लिए मैं अपने खंडेलवाल साहब से है ना आग्रह करूंगा कि दो शब्द आपको बोले, उसके बाद एक शपथ लेंगे।